हाय एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। हिंदी में कहें तो दखनी चित्र शैली। दखनी मतलब जो भारत के दक्षिण राज्यों में विकसित हुई। इसकी शुरुआत भी वैसे ही हुई जैसे पहाड़ी स्कूल की हमने पढ़ी। औरंगजेब के डर से जो कलाकार दक्षिण में जाके छिपे और वो यहाँ के भित्ति चित्रों से प्रेरित हुए। भित्ति चित्र होते हैं वॉल पेंटिंग्स। और उसी में जब इनका स्टाइल मिक्स हुआ तो एक नया स्कूल बना जो डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग बना। ये भी बाकी स्कूल्स की तरह मिनिएचर पेंटिंग का ही स्कूल है। इस शैली के चित्र 16वीं से 19वीं शताब्दी के बीच बने। एंड डेक्कन हैड इट्स ओन डिस्टिंक्शन इन आर्ट, इन कल्चर, ड्रामेटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, कॉस्ट्यूम्स, रिलीजियस बिलीव्स, सोशल बिलीव्स, थॉट्स एंड आइडियाज। एक अलग ही तरह का काम था। इन्फ्लुएंस, जैसा कि मैंने बताया कि ये मुगल कोर्ट से माइग्रेटेड आर्टिस्ट थे, तो सीधी सी बात है इनकी पेंटिंग्स में इस्लामिक और मुगल प्रभाव था और साथ साथ दक्षिण के भित्ति चित्रों का भी मिश्रण था। सो वी कैन से दीज पेंटिंग्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन मैनरिज्म, मुगल स्टाइल एंड वॉल पेंटिंग्स फ्रॉम साउथ। इन्फ्लुएंस को समझते हुए अब हम स्टाइल की तरफ आते हैं। यहाँ इस स्कूल में आकृतियों को, मतलब ह्यूमन फॉर्म्स को, लंबा इलोंगेटेड बनाया गया है, फेयर कम्प्लेक्स्ड, गोरी बनाई गई। हम कह सकते हैं कि इमोशनली चार्ज्ड मेल एंड सेंसुअस लुकिंग फीमेल्स बनाई गई हैं। फीचर्स, खूबसूरत चेहरे, लंबी बड़ी बड़ी आँखें, चौड़ा माथा, लंबी गर्दन, तिकोनी वेस्ट और नीटली कार्व्ड फिगर्स बनाई गई हैं। डिफरेंट मूड्स और सेंटिमेंट्स को बड़े ही अच्छे से दिखाया गया है। अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के हिसाब से डेक्कन के तीन इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं और वो हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। पर इनको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को देख लें, इससे आपको ना बेटर क्लियर होगा। एक्चुअली 14th सेंचुरी में साउथ में, दक्षिण में, दो साम्राज्यों का उदय हुआ। एक था विजयनगर और दूसरी थी बहमनी सल्तनत। इनमें से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की थी और ये एक हिंदू साम्राज्य था, जैसा कि नाम से भी लगता है। इसके काम के स्टाइल में हमें अजंता और अपभ्रंश शैली का प्रभाव दिखता है, जिसके कुछ उदाहरण हमें लिपाक्षी मंदिर, वीरभद्र मंदिर की दीवारों पर मिलते हैं। दूसरी थी बहमनी सल्तनत। ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। इसकी स्थापना सुल्तान अलाउद्दीन बहमनी शाह ने की थी और इस चित्रकला पर ईरानी प्रभाव था। यही साम्राज्य आगे पांच छोटी छोटी रियासतों में बटा, जो थी अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, विरार और दीदर। बट कला की दृष्टि से इन पांच में से तीन ही हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, वो हैं अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा। यही तीन मेन सेंटर्स भी हैं डेक्कन स्कूल के। अब हम इन तीन सेंटर्स को डिस्कस करते हैं। पहला है अहमदनगर। इसका मुख्य शासक सुल्तान हुसैन निज़ाम शाही था और यहाँ का मेन से मैन्यूस्क्रिप्ट है तारीख हुसैन, क्योंकि ये जो रूलर्स थे ये अपनी तारीफ में, अपने पूर्वजों की तारीफ में इन ग्रंथों को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को बनवाते थे। सो पहला मेन सब्जेक्ट ऐतिहासिक चित्रण है और इसमें उनकी बहादुरी के किस्से, उनके शौक, शिकार के चित्रण और पोर्ट्रेचर एंड ऑल बनाया जाता था। इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स में से रागमाला पर बहुत काम हुआ है। रागों को, रागनियों को पूरे डेकोरम के साथ प्रॉपर सपोर्टिंग एनवायरनमेंट में दिखाया गया है। नारियों को बहुत ही सुंदर वेशभूषा पहने दिखाया है। जो पेंटिंग्स बनाई गई उनके कपड़ों में हमें उत्तरी पोशाक और दक्षिणी फैशन, मीन्स नॉर्दर्न कॉस्ट्यूम्स एंड सदर्न फैशन, दोनों की झलक दिखती है। हाई होराइजन, गोलाकार क्षितिज रेखा बनाई गई है जो कि पर्शियन इन्फ्लुएंस है। क्षितिज रेखा मतलब किसी भी पेंटिंग में आसमान और धरती को बांटने के लिए जो लाइन लगाई जाती है, जिसे हम होराइजन कहते हैं, वो सेमी सर्कुलर टाइप बनाई जाती थी। चमकदार रंग, ब्राइट एंड ग्लोइंग कलर्स वर यूज्ड। सुनहरी आसमान मतलब गोल्ड स्काई बनाया है। अलंकृत प्रकृति, ऑर्नामेंटल नेचर भी बनाई गई है, जिसमें पेड़ों को, पत्तों को बड़े ही स्टाइलाइज्ड वे में दिखाया गया है।
नेक्स्ट सेंटर है बीजापुर। बीजापुर के मुख्य शासक अली आदिल शाह और उनकी पत्नी चांद सुल्ताना इस्माइल आदिल शाह थे। इन सब ने स्कूल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कहते हैं चांद सुल्ताना को चित्रकारी का बहुत शौक था और वह खुद भी पेंटिंग्स बनाती थी। इस टाइम के फेमस मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है वो है नजूम अल उलूम, स्टार्स ऑफ साइंस, जो कि एंशियंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रल मैजिक पर आधारित है, और ये चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में प्रिजर्व्ड है। अगर हम नंबर ऑफ पेंटिंग्स की बात करें तो इस मैन्युस्क्रिप्ट्स में कुल 876 मिनिएचर्स हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हैं हाथियों की लड़ाई एलिफेंट फाइट और चांद बीबी प्लेइंग पोलो, जो हमारे सिलेबस में भी है। इस टाइम की पेंटिंग्स में लेडीज के चेहरे साधारण, बॉडीज को लंबा और सिलेंडर बनाया गया है, ज़्यादा साउथ इंडियन ड्रेसेस पहने दिखाया है और ग्रीनरी को बहुत ही सिंपल और सादगी से बनाया है। ब्राइट एंड स्ट्रॉन्ग टोन्स ऑफ ब्लू रेड एंड पिंक वर यूज्ड। बहुत सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन पैटर्न ज़्यादा दिखते हैं और यहाँ पर गोल्ड रंग की अधिकता से और कुछ वाटरी प्लांट बनाने के स्टाइल से हमें मुगल इन्फ्लुएंस की झलक दिखती है। नेक्स्ट सब स्कूल है गोलकोंडा, द नेक्स्ट सेंटर। ये शहर हीरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खैर, हम आर्ट की बात कर रहे हैं तो इस स्कूल के शासक इब्राहिम कुतुब शाह थे और इन्होंने कला के विकास में बहुत धन व्यय किया था। इस टाइम के सबसे पुरानी पेंटिंग्स, जो कि 5 पेंटिंग्स का एक सेट है और मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टाइम पीरियड करीबन 1590 AD में बनी थी, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में है। यहाँ की फेमस पेंटिंग्स हैं डांसिंग गर्ल और दूसरी पेंटिंग है लेडी विद द मैना बर्ड। ये पेंटिंग भी अब चेस्टर बीटी लाइब्रेरी डबलिन में है। इसके टाइम पीरियड पर शासकों के, दरबारियों के, नृत्यांगनों के चित्र बहुत प्रमुख हैं। जैसे आपने पेंटिंग देखी भी है डांसर्स, राग रागनी के चित्र भी बहुत बने हैं और इसका फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट है ताजुके अजाफी। अब यहाँ तक था ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ डेक्कन। सो अब हम कुछ इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला आता है कलर स्कीम, चमकदार रंग, ब्रिलियंट कलर्स, रंगों को मूड के हिसाब से बनाना, थीम के हिसाब से लगाए गए। फिर हम बात करें तो पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखता है इनमें। हाई होराइजन है, यहाँ भी क्षितिज रेखा को बहुत ऊंचा बनाया गया है। गोल्ड स्काई, सुनहरी आसमान बनाया है और गोल्ड कलर को आर्किटेक्चर में, कॉस्ट्यूम्स में, ज्वेलरी में, वेसल्स में लेविशली यूज़ किया गया है। मुगल इन्फ्लुएंस, मुगल के प्रभाव की वजह औरंगजेब के टाइम पर कलाकारों को वहाँ से भागना और डेक्कन में आके बसना रहा। ऑर्नामेंटल वर्क, बहुत डेकोरेटिव वर्क हुआ है, जिसे हम कहेंगे अलंकृत काम, चाहे वो फ्लोरा एंड फौना हो या कॉस्ट्यूम्स हो, बहुत ही सुंदर ढंग से सजाए गए हैं, बनाए गए हैं। बोल्ड ड्राइंग्स हैं, एथनिक टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स हैं, ओवरऑल बहुत रिच एंड वाइब्रेंट पेंटिंग्स बनी हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। जल्द ही मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर।